नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 स्टेट रैंकिंग में हरियाणा दूसरे स्थान पर, टॉप 10 में प्रदेश का एक भी शहर नहीं। फरीदाबाद का रहा 38वां स्थान। 10 लाख की आबादी वाले शहरों में करनाल रहा 17वें स्थान पर। रोहतक शहर 35वें स्थान पर रहा तो वहीं पंचकुला का 56वां स्थान रहा। बारिश से दिल्ली बना दरिया तो गुरुग्राम अब भी पानी पानी। पलवल में तैर रही हैं कश्तियां। मौसम विभाग ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोना, पलवल, होडल, नू, झज्जर, बहादुरगढ़ में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। तो वहीं गुरुग्राम में बुधवार को हुई तेज बारिश की वजह से अभी भी जगह जगह जल भराव की स्थिति। दिल्ली में 29% लोगों में एंटीबॉडी मिली। इसका मतलब हर 100 में से 29 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके। पिछली बार से आंकड़ा 6% बढ़ा। इस मामले में महिलाएं पुरुषों से 4% आगे। दिल्ली में पिछली बार हुए सीरो सर्वे में 23.48% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा यह अगला सीरो सर्वे 1 सितंबर से किया जाएगा। लद्दाख में सीमा विवाद, भारत चीन के बीच आज ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की होगी बातचीत। चीन कई इलाकों में नहीं हट रहा पीछे। पूर्वी लद्दाख के फिंगर एरिया देपसांग और गोगरा में चीन के सैनिक 3 महीने से जमे हुए हैं। चीन ने फिंगर एरिया में बंकर और दूसरे अस्थायी कंस्ट्रक्शन भी शुरू किए। राजस्थान में सचिन पायलट बगावत के बाद पहली बार पार्टी ऑफिस पहुंचे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा को दी बधाई। बोले अब जो होगा बढ़िया होगा, सबको साथ लेकर होगा। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। दोनों के बीच काफी देर चर्चा हुई। पंडित जसराज को अंतिम विदाई। मुंबई के पवनहंस शमशान घाट पर पंडित जी का अंतिम संस्कार आज। सोशल मीडिया पर हुआ लाइव टेलीकास्ट। पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में 17 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट से हुआ था निधन। पद्म विभूषण पंडित जसराज पिछले कुछ समय से परिवार के साथ रह रहे थे अमेरिका में। 5 साल बाद सौम्या टंडन ने छोड़ा शो, बाबी जी घर पर हैं। बिग बॉस 14 में आने की खबरों को एक्ट्रेस ने बताया अफवाह। सौम्या टंडन ने कहा जितनी भी अफवाह आपने सुनी थी वो सब गलत हैं। ये बहुत ही सोचा समझा निर्णय है, इसका कोविड से भी कोई लेना देना नहीं है। सैलरी कट और बिग बॉस की बातें अफवाह हैं। वजह सिर्फ एक है कि मैं अब अपने आप को इस किरदार में आगे नहीं देखती हूँ। केबीसी 12 कोविड-19 से रिकवर होकर काम पर लौटे अमिताभ बच्चन। ज्यादा सावधानियों और प्रोटोकॉल के साथ करेंगे कौन बनेगा करोड़पति 12 के शूटिंग। अब तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद एक्टर दोबारा गेम रियलिटी शो केबीसी 12 की शूटिंग करेंगे। इस बार शो में बरती जाएगी ज्यादा सावधानी। मुंबई के लीलावती अस्पताल के डॉक्टर का खुलासा। संजय दत्त ने अमेरिकी डॉक्टर से राय ली और उसके बाद विदेश जाने का फैसला टाल दिया। संजय दत्त को 8 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में किया गया था भर्ती। संजय दत्त ने 11 अगस्त को काम से ब्रेक लेने की दी थी जानकारी। इसके बाद ही उनके लंग कैंसर से पीड़ित होने का हुआ था खुलासा। धोनी के अंदाज पर मोदी भी फिदा। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर कहा आपके रिटायरमेंट से 130 करोड़ भारतीय निराश हैं, लेकिन क्रिकेट में आपके योगदान के लिए शुक्रगुजार भी हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। मोदी ने कहा आपका मन हमेशा शांत रहा, यह देश के युवाओं के लिए अहम सीख है। दुनिया भर में गूगल की सर्विसेज डाउन। जीमेल, गूगल ड्राइव पर फाइल अटैच नहीं हो रही। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत। गूगल की 6 सर्विसेज में आई है शिकायतें। कंपनी ने इन्हें दुरुस्त करने के लिए काम किया शुरू। गूगल डॉक्स, गूगल मीट और गूगल वॉइस पर भी आ रही हैं समस्याएं। एयरलाइन इंडस्ट्री का बुरा हाल। सैलरी नहीं मिलने पर गो एयर के आधा दर्जन सीनियर अधिकारियों ने छोड़ी नौकरी। 4000 कर्मचारी पहले से ही बिना वेतन छुट्टी पर। एयरलाइन कंपनियां अपने खर्चों पर कम करने के लिए कर्मचारियों की कर रही है छटनी। एयरलाइन सेक्टर के बंद होने से सभी कंपनियों को करना पड़ा है काफी नुकसान का सामना। गूगल लाया नया कोरमो जॉब्स ऐप। घर बैठे मोबाइल पर मिलेंगी नौकरियों की जानकारी। कोरमो जॉब्स ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर 3.7 स्टार की रिव्यू रेटिंग। गूगल पे पर उपलब्ध जॉब फीचर का विस्तार किया। नया ऐप भी लाइव कंपनी। 2 दिन में 10 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड। 20 लाख से ज्यादा नौकरियां उपलब्ध। 31 अगस्त तक वापस करना है किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया कर्ज। नहीं जमा करने पर देना होगा ज्यादा ब्याज। केसीसी केंद्र सरकार की योजना है जिसे साल 1998 में शुरू किया गया था। 31 अगस्त तक पैसे नहीं लौटाए तो उन्हें 4 की जगह देना पड़ेगा 7% ब्याज। केसीसी के तहत लिया जा सकता है 5 लाख रुपए तक का लोन। बीते 5 दिनों में 4 बार बढ़ी पेट्रोल की कीमत। दिल्ली में 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा पेट्रोल। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के तय करते हैं रेट। मंगलवार को भी पेट्रोल की कीमत में 17 पैसे की वृद्धि हुई थी। पिछले 5 दिनों में पेट्रोल की कीमत 56 पैसों का इजाफा हुआ है।
गूगल मीट ऐप की मदद से टीवी पर कर पाएंगे वीडियो चैटिंग। कंपनी ने क्रोमकास्ट का दिया सपोर्ट। मार्केट में मौजूद स्मार्ट टीवी में क्रोमकास्ट का फीचर आता है इनबिल्ट। क्रोमकास्ट सपोर्ट के साथ यूजर्स ऑनलाइन लेक्चर और क्लासेस घर की टीवी पर कर पाएंगे अटेंड। टीवी पर सिर्फ दिखाई देगी स्ट्रीमिंग। वीडियो और माइक्रोफोन के लिए होगा स्मार्टफोन का इस्तेमाल। एयरटेल ने लॉन्च किए दो शानदार प्लान। इसमें रोजाना 3 GB तक डाटा और फ्री कॉलिंग के साथ मिलेगा हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन फ्री। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर शो या मूवी देखने के हैं शौकीन तो ये प्लान आपके लिए सही रहेंगे। ₹448 वाले प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की रहेगी तो वहीं ₹599 वाले प्लान की वैलिडिटी 56 दिन की रहेगी। एक देश एक परीक्षा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मिली केंद्र की मंजूरी। हर साल नौकरी की परीक्षाएं देने वाले 3 करोड़ युवाओं को बड़ी राहत। अभी केंद्रीय नौकरियों के लिए 20 से ज्यादा एजेंसियां टेस्ट करवाती हैं। हर साल 1.25 लाख भर्तियां होती है। SSC सभी रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं यही एजेंसी कराएगी। UPSC अपडेट। 7 सितंबर को जारी किए जाएंगे सिलेक्ट हुए कैंडिडेट के मार्क्स। 2020 का प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC साल 2019 की परीक्षा और इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए 829 कैंडिडेट्स की लिस्ट 7 सितंबर को करेगा जारी। आयोग ने 4 अगस्त को अंतिम रिजल्ट घोषित किया था लेकिन मार्क्स जारी नहीं किए थे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब सरकारी नौकरी के चयन के लिए होगी सिर्फ एक परीक्षा। वर्तमान में सरकार के करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां अलग अलग एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करती हैं। देश में करीब 1000 परीक्षा केंद्र होंगे। 117 आकांक्षी जिले समेत हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। चीन विवाद के बीच जियोनी कर रही है भारत में वापसी। 25 अगस्त को लॉन्च करेगी अफोर्डेबल फोन। बड़ी स्क्रीन और बैटरी मिलने की उम्मीद। कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर पोस्टर जारी करके लिखा अब जिंदगी होगी मैक्स। जियोनी भारत में वायरलेस स्टीरियो हेडफोन ईयरफोन नेकबैंड पावर बैंक और स्मार्ट वॉच बेच रही है। चीन ने 4 महीने में एक भी संक्रमित की मौत नहीं होने का दावा किया। दुनिया में अब तक 2,25,00,000 केस। दुनिया में अब तक 7,90,000 हुई मौतें। वहीं 1,53,00,000 लोग ठीक भी हुए। अमेरिका में अब तक 57,00,000 संक्रमित तो वहीं 1,76,000 लोगों की गई जान। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग। 72 घंटे में 11,000 बार गिरी बिजली। 367 जगहों पर लगी आग। फायर डिपार्टमेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पायलट की मौत। सैन फ्रांसिस्को शहर में धुआं फैला। लोगों ने सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का ऑपरेशन किया शुरू। वहीं 50 से ज्यादा घर जले। स्टेट हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही प्रवाहित तो वहीं हजारों लोग घर छोड़कर निकले। चीन में बाढ़ का कहर। सिचुआन राज्य में बुद्ध की 1200 साल पुरानी 233 फीट ऊंची प्रतिमा को खतरा। 1,00,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हालांकि अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और प्रतिमा के पैर फिर से दिखने लगे हैं। बाढ़ से अभी तक 200 लोगों की हो चुकी है मौत और कई लापता। अधिकारियों के मुताबिक $25,000 का हो चुका है अब तक नुकसान।